Dear student, you are watching Tuition Access Online. This is Prem. Being a teacher और YouTube आप कह लीजिए जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ, तो बहुत सारे बुक हर साल आते रहे हैं. इस बार भी ICC बोर्ड के बहुत सारे बुक आए हैं, इंग्लिश के, SST के लेकर, या फिर आप कह लीजिए रिहान पब्लिकेशन है इसके, और इसके अलावा आपके पास पर्ल्स के बुक आ गए, इंग्लिश ऐसे ICSE के ही हैं जो आते हैं, और इसके अलावा गोल्डन का हो गया. फिर आप देख लेंगे कि बहुत सारे सैंपल पेपर हैं जो कि भेजे गए हैं डिफरेंट पब्लिकेशन के द्वारा कि सर आप इनका थोड़ा सा रिव्यू कर दीजिए. और ये सारे ICSE बोर्ड से संबंधित हैं, ना कि CBSE बोर्ड से संबंधित, सारे ICSE बोर्ड से संबंधित होते हैं. तो इन सारे सैंपल पेपर को मतलब कि पढ़ना, समझना, इनका सही रिव्यू करना और स्टूडेंट के सामने एक जेन्यून और विदाउट एनी बायस्ड थॉट रखना बहुत ही डिफिकल्ट काम है. ऐसा नहीं होगा कि मैं सिर्फ इस बुक को ऐसे खड़ा करके कह दूं कि आप इस बुक को खरीद लीजिए, पढ़ लीजिए, या फिर जो कुछ, जो कि काफ़ी नाइंसाफी होती है. लेकिन जब आप बुक रिव्यू कर रहे होते हैं तो देखना पड़ता है कि ICSE और ISE क्लास 10th और क्लास 12th के लिए काफ़ी कुछ चेंजेज हुए सिलेबस, और सिलेबस चेंजेस से संबंधित वीडियो मैंने बना के डाला हुआ भी है. मेरे पास अभी भी इस कॉपी में ICSE बोर्ड के सिलेबस के जो रिडक्शन हुए वो पूरा मेरा प्लानिंग पड़ा हुआ है यहाँ पर, कि किस तरह से मैंने पेज बनाए थे ICSE और ISE के लिए. चूंकि पढ़ाना भी पड़ता है और खुद भी समझना पड़ता है, नहीं तो जस्टिफिकेशन नहीं होंगे कि आप क्या सब कर रहे होंगे. तो इन सब कंटेक्स्ट को देखते हुए जो मैं आपको अगला वीडियो देने जा रहा हूँ वो जेन्यून रिव्यू होगा कि कौन से बुक स्टूडेंट को खरीदने चाहिए और किस बुक को स्टूडेंट को छोड़ना चाहिए, और अगर आप मार्केट में मौजूद कौन से बुक को खरीदते हैं और उस पर अपने मनी को इन्वेस्ट करते हैं तो बेस्ट वैल्यू फॉर योर मनी होने चाहिए. किताब अगर सही मिलेगी तो बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 में आप बेहतर परफॉर्मेंस दे पाएंगे. तो इसी के संदर्भ में मैं आपको एक अच्छा वीडियो नेक्स्ट डे देने जा रहा हूँ, तो इसके लिए बने रहिए. और यू मस्ट हैव टू बी पेशेंट, क्योंकि अब मैं इसी तरह से स्टडी मटेरियल से रिलेटेड वीडियो डालूंगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से संबंधित वीडियो डालूंगा जो CISE ने देश भर के सभी ICSE अफिलिएटेड स्कूलों को भेजे मैटर में 2021 के बोर्ड स्टूडेंट के प्रिपरेशन के लिए कहा, चाहे ICSE क्लास 10th के हो या ISE क्लास 12th के. इन बातों को लेकर ही मेरा यह अनाउंसमेंट भी है कि स्टूडेंट को 2021 के बोर्ड एग्जामिनेशन में भले ही जो कुछ भी हुए हो बेहतर मार्क्स आने चाहिए, और यह मेरा मोटो है स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट यानी कि आप सबों के लिए. तो आप सब बने रहिए और you must have to our best of luck.